इसे सत्ता की हनक ही कही जाएगी, जो केंद्रीय मंत्री सुरक्षा कर्मियों को 2 मिनट के लिए रोक देना भी नागवार उन्हें गुजरा। और फिर कानून को ताक पर रखकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। ये वारदात सामने आई है गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आशियान ग्रीन सोसाइटी की। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा 18 तारीख की शाम 5 बजे इस सोसाइटी में आए। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उनसे फ्लैट का नंबर पूछा तो इसमें तकरीबन 2 मिनट का समय लग गया। बस इतने में मंत्री के साथ चल रही नीली बत्ती के स्कॉर्पियो, जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, उसमें सवार मंत्री जी के सुरक्षाकर्मी ने गेट पर मौजूद 3 गार्डों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई और उसके साथ ही एक बार फिर सत्ता की हनक में आम आदमी पर हुआ अत्याचार आम हो गया। अक्सर VIP लोगों की इस तरह से दबंग गई सामने आती रहती है। ऐसे में सवाल अहम है कि आखिर वो समय कब आएगा जब ये VIP भी खुद को आम आदमी की तरह समझेंगे और किसी को भी कानून को ताक पर रखने की इजाजत नहीं देंगे। तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के ये सुरक्षाकर्मी जो बेलगाम होते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में, ने पूछा होगा, हम थे वहाँ गार्ड रूम में, उसने फोन किया, मेरे को बुलाया, सर आप पूछ लीजिए इनको। हम आए सर को, हमने पूछा, सर ने 74 ग्राउंड बताया, हमने गेट बैरियर के लिए बोल दिया, अब हम खोल दो। बैरियर खुल गया, उसके बाद तुरंत जो साफ की गाड़ी आगे गई और जो उनके साथ में थे वो हमें एकदम हाथापाई चालू कर दिए। हम 3 लोगों को मारा, 3 ही लोग हम थे, 3 लोगों को मारा, भाग भाग के मारा है सर, बहुत काफी गालियाँ देते रहे।